नमस्कार प्यारे साथियों, तो आप सभी के लिए एक और गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे आ चुकी है। कुल यहाँ पे 5,934 प्लस यहाँ पे आपकी पोस्ट रहने वाली है, और ये पोस्ट आपकी रहने वाली है पशु परिचर की, यानी कि एनिमल अटेंडेंट की ये वैकेंसी निकाली गई है। तो 2023 के लिए बम्पर वैकेंसी यहाँ पे हो रही है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मात्र यहाँ पे 10वीं पास रखा गया है। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया बहुत ही अच्छा रखा गया है, 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रोसेस इसमें रहने वाला है, क्योंकि केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। कोई भी फिजिकल नहीं होता, लंबाई हाइट चेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं चेक होता है, केवल रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें और उसके बाद डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे मिल जाती है। तो पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये जारी किया जा चुका है। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023 दिनांक 6/10/2023 को नोटिफिकेशन हाल ही में अभी अभी से जारी किया गया है। साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पद का नाम पशु परिचर, साथ ही में गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5,281 वैकेंसी, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 653, टोटल मिलाकर 5,934 यानी 5,934 वैकेंसी आपके लिए निकाली गई हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आप सभी के लिए रहने वाली है। और इसके लिए अच्छी बात यह है कि राजस्थान के आउटसाइड के जो भी कैंडिडेट हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी भाषा की नॉलेज है तो डेफिनेटली आप इसमें एलिजिबल होंगे और अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देवनागरी जो लिपि होती है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, हिंदी भाषा आपको आनी चाहिए, हिंदी भाषा का ज्ञान कंपलसरी रखा गया है। बाकी का यहाँ पे नॉर्मली जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वो सब कुछ आपके लिए सिंपल यहाँ पे रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो राजस्थान यहाँ पे सिलेक्शन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको OTR का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, और राजस्थान बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सिलेक्शन बोर्ड की, वहां से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट आपकी rsmssb.rajasthan.gov.in आपकी वेबसाइट रहेगी, जहां पे जाके आप अपना पंजीयन कर सकते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम फीस की बात करें तो देखिए यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जैसे सामान्य वर्ग एवं क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए ₹600 यहाँ पे फीस रखी गई है। अगर आप नॉन क्रीमी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, पिछड़ा वर्ग में, अति पिछड़ा वर्ग में, आर्थिक रूप से कमजोर या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक हैं, तो ₹400 यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। बट अगर आप राजस्थान के बाहर के अन्य किसी राज्य से निवासी हैं तो आपको यहाँ पे ₹600 ही पे करने होंगे, और आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। रिजर्वेशन केवल राजस्थान के कैंडिडेट के लिए ही अप्लाई होगा। बाकी का यहाँ पे OTR वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल दी गई है कि किसके लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। टोटल वैकेंसी आपको बता दी गई है, सामान्य कैटेगरी में 1334 वैकेंसी है, सामान्य महिला में 381, विधवा के लिए 152, परिवक्ता के लिए 38 वैकेंसी है, सामान्य के लिए 586। इस तरीके से आपकी जो वैकेंसी है वो डिवाइड की गई है, और टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बता दी गई है कितनी आपकी वैकेंसी है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग भी आपको सारी वैकेंसी यहाँ पे बता दी गई है। बाकी का यहाँ पे जो पूरा ये प्रोसेस दिया गया है, ये दिया गया है आपका रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज यहाँ पे चेक करनी है तो आप यहाँ पे रिजर्वेशन से रिलेटेड चीजें चेक कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि रिजर्वेशन कौन सी कैंडिडेट को किस कैटेगरी में कितना यहाँ पे मिल रहा है। अब अगर इसके अलावा यहाँ पे जो स्पोर्ट्समैन वगैरह रहेंगे उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह की व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में आप सभी को बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है और जो कि आप सभी को यहाँ पे जानना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप सभी को सैलरी के बारे में बताया गया है, तो वेतमान की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार पशु परिचर का वेतमान पे मैट्रिक्स लेवल 1 निर्धारित है। तो परिवीक्षा काल में मासिक नियत परिश्रामिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार देय होगा। अन्य शर्तें यहाँ पे आप सभी को बताई गई है कि जो परिवीक्षा अवधि होगी उसके दौरान आपको मासिक नियत यानी एक फिक्स सैलरी अमाउंट होता है जो आपको दिया जाता है। जब आपकी जो ये परिवीक्षा अवधि खत्म हो जाती है तो इसके बाद जो आपकी प्रॉपर सैलरी होती है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। राजस्थान में कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है। बाकी का भी यहाँ पे दिया गया है आपको पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, जो कि आप देख सकते हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से
सेकेंडरी है उसके समतुल्य परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर आप सभी को बता दें, सेकेंडरी यानी कि आपने 10th पास कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये हायर सेकेंडरी बोलता है यानी कि 12th आपने पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान यहाँ पे आपको होना चाहिए। और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान इसलिए आपको बोला गया है क्योंकि यहाँ पे पेपर होगा तो उसमें राजस्थान से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो राजस्थान की जीके भी यहाँ पे शामिल रहेगी, इसलिए आपको क्लियर कर दिया गया है। बाकी का आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप किसी हिंदी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जनरल कैटेगरी में आप इसके लिए आवेदन भी कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है, सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वो उसके उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ पे आपको बोल दिया गया कि अगर जैसे कि अगर आप अभी 10वीं की एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य योग्यताओं के बारे में बात की गई है, जैसे कि आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, चरित्र आपका कैसा होना चाहिए, फिर यहाँ पे बोला गया कि भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन हो या फिर भूटान का प्रजनन हो, तो इस तरीके से वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे बात आ जाती है आयु की, तो आवेदक की जो आयु होगी 1 जनवरी 2024 से इसकी उम्र की गणना की जाएगी, और न्यूनतम जो आयु सीमा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 साल, और अधिकतम उम्र सीमा होनी चाहिए 40 साल। यानी कि अगर आप राजस्थान की जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें या अन्य किसी राज्य से भी बिलोंग करें, आपकी जो एज क्राइटेरिया होनी चाहिए वो 18 से 40 साल होनी चाहिए, जो कि 1 जनवरी 2024 को काउंट की जाएगी। इसके अलावा अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट मिल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो अपना रिलैक्सेशन कैटेगरी देख लेना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको उम्र में छूट मिल जाती है। बट अगर आप आउटसाइडर हैं, राजस्थान के अलावा किसी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको 18 से 40 साल के क्राइटेरिया में ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आप सभी को कुछ और चीजें बताई गई है, जैसे विवाह पंजीयन वगैरह के बारे में यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है, और यहाँ पे आप सभी को जो अपनी फीस वगैरह होगी वो जमा करने की डेट बताई गई है। तो इसमें आप सभी को बता दें कि आपकी जो ऑनलाइन अप्लाई डेट है वो है 13 अक्टूबर 2023 और लास्ट डेट है 11 नवंबर 2023। तो 13 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर 2023 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी फीस वगैरह पे कर सकते हैं, ये यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया है। साथ ही में यहाँ पे परीक्षा का महायम दिनांक, तो पशु परिचर के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा समावित माह अप्रैल जून 2024, यहाँ पे बताया गया कि अप्रैल से लेकर जून के बीच 2024 में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है, लेकिन इसके बारे में कंफर्म नहीं है। आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपकी वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में, आवेदन कैसे करना है वो भी इसके बारे में यहाँ पे सारी चीजें आप सभी को क्लियर की गई है कि आवेदन आपको कैसे करना है। तो आवेदन करने से पहले एक बार इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लें ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो और आप सही तरीके से इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाए। साथ ही में आपको संशोधन का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप उसमें 100 रुपए की फीस यहाँ पे जमा करके आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, यानी कोई चेंजेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए ये परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम होगा, यानी कि आपका सिलेबस, तो आपका केवल रिटेन एग्जामिनेशन यहाँ पे होता है, कोई फिजिकल वगैरह आपका होता नहीं है। तो परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम की बात करें तो पशु परिचर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है। तो यहाँ पे पार्ट आ और बा दो भाग आपको दिए गए, जिसमें पहला जो भाग होगा उसमें 105 प्रश्नों की संख्या होगी जिसके लिए 105 अंक दिए जाएंगे। दूसरा भाग जो रहेगा उसमें 45 प्रश्न रहेंगे जिसके लिए 45 अंक आपको दिए जाएंगे, यानी कि 150 प्रश्न रहेंगे 150 प्रश्नों के लिए 150 अंक आपको दिए जाएंगे। समय सीमा रहेगी इसके लिए 3 घंटा, तो 3 घंटे का समय आपको मिलेगा 150 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, तो आप इतनी समय सीमा में आपको इसकी तैयारी करनी है। बाकी का यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि जो आपका पाठ्यक्रम होगा उसके अनुसार समान अंक वाले वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 अंक आपका पेपर होगा, हर एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी रहेगी, यानी कि हर एक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे। साथ ही में प्रश्न पत्र में न्यूनतम आपको 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी लेवल का होगा। यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम सिलेबस भी आपको दे रखा है कि पहला जो भाग रहेगा वो भारांक 70% का रहेगा, तो 70% यानी पूर्णांक इसका रहेगा 105 अंक। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि इसमें जो 105 अंक होंगे और इसके लिए 105 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसमें राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित,
सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला एवं समसहायक विषय आदि समाविष्ट हो, पर वस्तु पूरक प्रकार के प्रश्न यहाँ पे होंगे। इसके अलावा आपका जो पार्ट बी रहेगा ये 30% रहेगा, क्योंकि 45 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इसके बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो ये आपका रहेगा कि आपका जो पोस्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान और बधियाकरण, संस्कर संकर प्रजनन और दुग्ध दुहान, दुग्ध यानी कि आपको पशुपालन से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो यहाँ पे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जो काम रहने वाला है एक तरह से ऐसे कह सकते हैं, जो आपका काम है उससे रिलेटेड यहाँ पे एक तरह से ट्रेड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है, यानी कि पशुओं से संबंधित सारी चीजें यहाँ पे आपको पूछी जाएंगी, तो उसकी तैयारी आपको करनी है। तो दो भागों में यहाँ पे आपका पेपर होगा और इसी पेपर के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी, यानी 150 अंकों पर ही आपका सिलेक्शन होना है। तो जो जितने नंबर अधिक ले आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी का फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे डीवी और मेडिकल, डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका मेडिकल होता है जो कि नॉर्मल होता है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आप राजस्थान के अलावा अन्य किसी राज्य से हैं और आपको हिंदी की नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी चीजें मैंने आपके साथ क्लियर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।